सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन, आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों, शाओमी लेके आ गए अपने नए सीरीज सी सीरीज, जो चाइना में कल लॉन्च हो चुका है, जिसका दो मॉडल अभी अभी लॉन्च किया गया है, जिसमें पहला जो मॉडल है वो CC9 और दूसरा जो मॉडल है वो CC9E। ये दोनों ही अलग अलग मॉडल है। ये बताया जा रहा है कि जो रूमर्स आ रहे हैं इसमें बताया जा रहा है कि जो यही दो फोन है वो आपको इंडिया में Mi A3 और Mi A3 Lite के नाम से जाने जाएंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करें इस फोन की, दोनों की स्पेसिफिकेशन के बारे में क्या कुछ आपको नया मिलता है इसी के बारे में बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी लॉजिक वीडियो लाता रहूंगा। तो पहले हम दोनों ही फोन की पहले डिस्प्ले की बात कर ले, तो डिस्प्ले में आपको बताना चाहूंगा CC9 है, इसमें आपको बताना चाहूंगा 6.39 इंच की फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन के साथ में आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है। 19.5:9 एस्पेक्ट रेशियो वाली आपको डिस्प्ले यहाँ पे मिल जाती है। इसमें आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच आपको डिस्प्ले मिल जाती है, यानी कि नॉच आपको यहाँ पे दिखेगी। दूसरी बात, इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे दूसरी फोन की बात करें CC9E की, तो इसमें आपको 6.09 इंच की एचडी रिजोल्यूशन के साथ में आपको ये डिस्प्ले मिल जाती है। बाकी जो फीचर्स है वो सेम आपको मिलते हैं, यहाँ पे सुपर एमोलेड स्क्रीन भी आपको देखने को मिल जाती है। तो शाओमी के ऐसे जो पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें आपको HD प्लस रिजोल्यूशन में आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। प्रोटेक्शन में मैंने पहले ही बताया, इसमें दोनों ही फोन में आपको सेम आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का फ्राई का प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। पीछे की तरफ आपको ग्लॉसी फिनिश आपको, यानी कि ग्लास फिनिश डिजाइन ही मिलता है, और बहुत ही अच्छा कलर वेरिएंट आपको देखने को मिल जाता है। बाकी जो फीचर है वो सेम है, सिर्फ फर्क इतना ही इसमें आपको HD प्लस रिजोल्यूशन आपको देखने को मिल जाता है CC9E में। लेकिन यहाँ पे CC9 में आपको फुल HD प्लस रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। दोनों ही फोन की चिपसेट की बात करें तो चिपसेट में आपको CC9 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 710, जो एक 10 nm बेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जो एक ऑक्टाकोर पावर है, 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है, और एड्रिनो का 616 का आपको GPU मिल जाता है। यानी कि परफॉर्मेंस के मामले में सेम टू सेम आपको जो आपको Realme 3 Pro मिलता है वैसा ही परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन दूसरा जो फोन है CC9E, इसमें आपको लेटेस्ट स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 665 आपको मिल जाता है, जो एक 11 nm बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ऑक्टाकोर पावर है, 2.0 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है, और एड्रिनो का 610 का आपको GPU मिल जाता है। यानी कि परफॉर्मेंस के मामले में आपको थोड़ा सा फर्क आपको यहाँ पे मिल जाता है, थोड़ा सा लोअर है। 660 का आपको एक अपग्रेड वर्जन यहाँ पे मिल जाता है 665, और दूसरा जो 710 वो तो पुराना ही चिपसेट है। लेकिन यहाँ पे शाओमी ने ऐसा क्यों किया है, पर इसमें पुराना है क्योंकि यहाँ पे 675 यूज कर लेते तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन यहाँ पे आपको 710 यहाँ पे मिल जाता है। दोनों ही फोन की रैम और स्टोरेज वेरियंट की बात करें तो इसमें आपको CC9 में आपको दो अलग अलग वेरियंट आपको मिल जाते हैं चाइना में जो अभी लॉन्च हुए है, जिसमें जो पहला जो वेरियंट है वो 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, और दूसरा जो वेरियंट है वो 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्टोरेज जो मिलती है वो UFS 2.1 वाली स्टोरेज मिलती है, तो यह बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। दूसरी बात, इसमें आपको माइक्रो एसडी कार्ड लगाने का स्लॉट आपको मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे हाइब्रिड सिम स्लॉट है, यानी कि एक ही समय पे आपको दो नैनो सिम कार्ड और दूसरे एक ही समय पे एक नैनो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, वो भी 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। दोनों ही फोन में आपको सेम ऐसा फीचर्स मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे CC9E की बात करें तो इसमें आपको बताना चाहूंगा तीन अलग अलग वेरियंट आपको मिल जाता है, जिसमें बेस वेरियंट है वो 4GB 64GB इंटरनल स्टोरेज और 6GB 64GB इंटरनल स्टोरेज और 6GB 128GB इंटरनल स्टोरेज। यहाँ पे भी आपको UFS 2.1 वाली ही स्टोरेज यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है। आपको दोनों ही फोन में आपको बहुत ही अच्छी प्राइस में आपको अच्छा फीचर और अच्छा स्टोरेज वेरियंट आपको देखने को मिल जाता है। दूसरी बात आती है इसके रियर कैमरा के, दोनों में आपको सेम कैमरा मिल जाता है, ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप आपको देखने को मिल जाता है। तो दोनों में आपको बता देगा 48 MP का प्राइमरी लेंस है, जिसका एपेचर f1.9 का इसमें एपेचर मिल जाता है, और दूसरा जो इसको बताने का 4:1 है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इसमें दूसरा जो कैमरा वो 8 MP का है, इसमें आपको अल्ट्रा वाइड लेंस आपको मिल जाता है। तीसरा जो कैमरा है 2 MP का, वो डेप्थ सेंसिंग कैमरा है, और ड्यूल टोन एडवांस आपको मिल जाती है। और बताना चाहूंगा इसमें आपको 4K तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो और 1080p तक की 1360fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो दोनों में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिल जाता है, इसमें आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। अब बात आती है दोनों फोन के सेल्फी कैमरा की, तो सेल्फी में आपको f2.0 वाली आपको 32 MP की सेल्फी दोनों में आपको मिल जाती है। दोनों में आपको सेल्फी कैमरे में कोई भी डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। हाँ, 1080p तक 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो, फेस अनलॉक के फीचर्स जो भी आपको सेल्फी कैमरा के फीचर्स है वो सभी फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं।
बैटरी सॉफ्टवेयर की बात करें तो बताना चाहूंगा इसमें आपको दोनों में सेम बैटरी बैकअप आपको मिल जाता है, 4013 एमएच की आपको बैटरी मिल जाती है और दोनों ही फोन में आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे CC9 में आपको क्विक चार्ज 4 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो इन द बॉक्स आपको 18 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग आपको प्रोवाइड करेगा। लेकिन यहाँ पे CC9E में आपको क्विक चार्ज 3 का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है और बताना चाहूंगा इसमें आपको 10 वोल्ट का इन द बॉक्स आपको चार्जर एडाप्टर मिल जाए, यानी कि अलग से दोनों फोन में आपको अलग से फास्ट चार्जर खरीदना पड़ेगा, आपको कोई इन द बॉक्स आपको नहीं मिलता। हाँ, इन द बॉक्स आपको फास्ट चार्जर सिर्फ आपको CC9 में आपको देखने को मिल जाता है। दोनों फोन की सॉफ्टवेयर में आपको सेम सॉफ्टवेयर मिलता है, एंड्रॉइड 9 पे आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, जो एक MIUI 9 के बेस पे कस्टमाइजेशन है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। दोनों फोन की कनेक्टिविटी सेंसर की बात करें तो नॉर्मल जो सेंसर वो सभी सेंसर आपको देखने को मिल जाता है। दूसरी बात, इसमें आपको दोनों ही फोन में आपको 7th generation वाला फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इन डिस्प्ले मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ा फीचर है। आपको इस प्राइस रेंज में आपको कोई भी कंपनी आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को नहीं मिलती। दूसरी बात, इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट है, मैंने पहले बताया, इसमें आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड लगाने का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता। दोनों में आपको 3.5mm का ऑडियो जैक यहां पे मिल जाता है, तो ये भी अच्छा फीचर है, आपको कोई भी इसमें आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं देखने को मिलता। टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है, ब्लूटूथ का 5.0 मिल जाता है, दोनों ही फोन में आपको NFC का भी सपोर्ट यहां पे देखने को मिल जाता है। अब बात आते हैं दोनों फोन की प्राइस की, तो प्राइस बहुत ही अग्रेसिव है, बहुत ही अच्छी प्राइस में आपको चाइना में ये लॉन्च किया गया है, क्योंकि यहाँ पे CC9 की प्राइस की बात करें तो बताना चाहूंगा 6GB 64GB वाला वेरिएंट है, जो चाइनीज युआन की बात करें तो 1799 युआन की प्राइस रखी गई है, लेकिन इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो 18,000 की प्राइस में ये फोन पड़ेगा। दूसरा जो वेरिएंट है वो 6GB 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस बात करते हैं 1999 युआन, यानी कि इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो 20,000 की प्राइस में आपको ये फोन पड़ेगा, यानी कि फोन की प्राइस जो स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से ये प्राइस बहुत ही अच्छी है। लेकिन यहाँ पे CC9E है, जो Mi A3 Lite के नाम से जाना जाएगा इंडिया में, तो इसकी प्राइस की बात करें तो चाइनीज युआन में आपको बताता हूँ 4GB 64GB वाला जो प्राइस है, इसकी प्राइस 1299 युआन है, यानी कि इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो 13,000 की प्राइस में आपको ये फोन पड़ेगा। दूसरा जो वेरिएंट है वो 6GB 64GB वाला, इसकी चाइनीज युआन की बात करें तो इसमें आपको 1399 युआन, यानी कि इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो 14,000 की प्राइस में ये फोन पड़ेगा, जो ऑलमोस्ट आपको Redmi Note 7 Pro के कंपेयर में आपको ये फोन पड़ेगा। दूसरी बात, तीसरा जो वेरिएंट है वो 6GB 128GB वाला, इसकी प्राइस की बात करें तो 1599 युआन, यानी कि 16,000 की प्राइस में एक फोन पड़ेगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो प्राइस के हिसाब से जो भी स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है वो बहुत ही अच्छी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको CC9 में जो आपको नया वेरिएंट है, नया सीरीज है, लेकिन यहाँ पे आपको एक पुराना वाला एक आपको चिपसेट मिल जाता है, क्योंकि जब Realme 3 Pro लॉन्च हुआ था उसी के बारे में टीक किया जा रहा था कि 710 पुराना है, 675 नया वाला है, लेकिन यहाँ पे आपको जो Xiaomi ने भी आपको सर झुका दिया है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको 710 मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे इसकी जगह कोई भी आपको 730 या कोई भी 712 या दूसरा कोई भी आपको चिपसेट मिल जाता तो बहुत ही अच्छा रहता। दूसरा CC9E है, उसमें भी आपको बहुत ही अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, फीचर्स में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता, दोनों फोन में सिर्फ आपको चिपसेट और डिस्प्ले का ही फर्क मिलता है, बाकी जो स्पेसिफिकेशन है वो सेम टू सेम मिलते हैं, ज्यादा फर्क आपको यहाँ पे नहीं मिलता, फर्क इतना ही है इसमें आपको डिस्प्ले और चिपसेट का ही प्राइस आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों देखते हैं कि इंडिया में कब लॉन्च होता है, इंडिया में Mi A3 के नाम से आता है या A3 Lite के नाम से आता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।